डेथ डिफाइनिंग एक्शन सीन्स, खतरनाक स्टंट्स और मोटरसाइकिल चेजिंग के साथ दोस्तों टॉम क्रूज की अगली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। चलिए बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या है खास और इस फिल्म को आप क्यों देख सकते हैं। रीजन नंबर वन, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज इज द मोस्ट स्टाइलिश एक्टर इन हॉलीवुड। दोस्तों हॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो टॉम क्रूज एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो कि अपने एक्शन सीन्स, अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस शूटिंग ऑफ फॉलआउट टॉम क्रूज ने अपने आप को जख्मी भी कर लिया था। आप एक सीन देखेंगे जहां पर टॉम क्रूज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप मारते हैं और लगभग गिरते हैं, तो उस शूट के दौरान टॉम क्रूज ने अपने एंकल को लूज कर दिया था और एंकल में चोट पड़ी थी, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग अगस्त 2018 में रोकनी पड़ी थी। उसके बाद टॉम क्रूज जब सही हुए तब जाके इस फिल्म की शूटिंग रिज्यूम की गई। टॉम क्रूज के एक्शन सीन्स दोस्तों बेहतरीन होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं इस फिल्म में तो उनके मोटरसाइकिल सीन्स नंबर वन। नंबर टू, वो जो पहाड़ी पर जो सीन है जिसमें वो पहाड़ से लटके हुए हैं, सेम इससे पहले जो मिशन इम्पॉसिबल आई थी बुर्ज खलीफा में, टॉम क्रूज का सेम यही तरीके का सीन जो है शूट किया गया था। और उसके बाद दोस्तों आता है हेलीकॉप्टर चेजिंग सीन, जहां पर हेनरी कैविल जो कि हमारे सुपरमैन है, सुपरमैन का मतलब कैरेक्टर निभाते हैं वो इनको टॉम क्रूज को फॉलो करते हैं हेलीकॉप्टर में। दैट वाज स्टुपेंडस अमेजिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ट्रेलर में जितना एक्शन सीन है क्या फिल्म में भी इतने ही ज्यादा एक्शन सीन्स को दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी इज द ब्रिलियंट डायरेक्टर दोस्तों। इससे पहले मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में उन्होंने डायरेक्शन किया था, अब फिर से वो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट लेकर आ रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या वो सेम मैजिक रिक्रिएट कर पाएंगे या नहीं। वेल, ट्रेलर देख के तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ दोस्तों कि वो सेम मैजिक लाएंगे, लेकिन अगर बात करूँ दोस्तों स्टोरी लाइन की कि वो सेम टू सेम हो पाएगी या नहीं, ये तो भाई फ्यूचर ही बता सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड क्रॉस योर फिंगर्स। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के ट्रेलर में हर एक इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीन्स हों या फिर डेथ डिफाइनिंग स्टंट्स या फिर टॉम क्रूज और उनका स्टाइलिश अंदाज या फिर रिबेका हॉल का कैरेक्टर। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर कैरेक्टर, क्यों वो फ्रेंड से फॉय बन गया है, क्यों वो कंटिन्यूसली गोली चला रहा है टॉम क्रूज के कैरेक्टर पे, क्यों टॉम क्रूज की कार उस रिबेका हॉल के कैरेक्टर को क्रश करते हुए आगे बढ़ रही है। डोंट नो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये सारी बातें तो 27th को ही पता चलेंगी दोस्तों, 27 जुलाई को। लेकिन ट्रेलर के तीन मेन अट्रैक्शन हैं, वो है टॉम क्रूज एंड हिज बोल्ड मूव्स, हिज स्टंट्स, हिज स्वैग। नंबर टू इज हेनरी कैविल और उनका अंदाज, उनका जो माचो लुक है वो। तीसरा, रिबेका हॉल का कैरेक्टर। समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म में क्या है खास उनके लिए। अगर मैं एक्शन सीन्स की बात करूं तो इसमें एक हेलीकॉप्टर वाला सीन है जो कि ब्रेथ टेकिंग है। आप देखेंगे टॉम क्रूज का कैरेक्टर रस्सी से लटका हुआ है और वो ऊपर हेलीकॉप्टर में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा सीन जो है हवा में ही शूट किया गया दोस्तों, और इस सीन को देखकर मुझे द डार्क नाइट राइजेस, बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस की याद आ गई। उसकी भी फिल्म की स्टार्टिंग में करीब 5 मिनट या 10 मिनट का इनिशियली ये हेलीकॉप्टर सीन था जो कि हवा में ही शूट किया गया था। क्या ये इतना ज्यादा ब्रेथ टेकिंग होगा कि नहीं, क्या ये इतना ज्यादा घूसबम्स क्रिएट किया करेगा कि नहीं, ये सारी बातें 27 को पता चलेंगी। आप बस मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसा लगा ये पूरी फिल्म का ट्रेलर, फॉलआउट का ट्रेलर। एंड लेट मी टेल यू, ये हिंदी में भी रिलीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हिंदी के साथ बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है मिशन इम्पॉसिबल का, क्योंकि हमारे झकास यानी कि अनिल कपूर भी इसमें काम कर चुके हैं और ये हिंदी में अक्सर रिलीज होती है। सो 27th को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये फिल्म आएगी, मैं अभी से कहता हूं दोस्तों, और हिंदी में भी इस फिल्म का ट्रेलर जरूर आएगा, तो आप वो भी देखिएगा। लेकिन तब तक आप एक काम कीजिए कि मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का ट्रेलर देखिए और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या मैंने ये जो बातें बताई आपको, क्या आपने भी ये चीजें नोटिस करी या नहीं करी। डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने ट्रेलर का लिंक दिया है, सो उसे देख सकते हैं आप। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज यार।